गाइस फरमाइश थे नामिका की और हम भी एंजॉय कर रहे हैं। बताइए तो चलिए टेस्ट करते हैं, बताते हैं कैसा है। अरे तब हम घुटकी भर ले लिया ना, अब फुर्सत नहा धोए है ये है खाए भर का रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज मैं लगभग एक सप्ताह बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूं और गाइस फिलहाल तो मैं बता देता हूं आप लोगों को कि बहुत ही अच्छी सुबह हो चुकी है और बहुत ही शानदार। जैसा कि मैं जानते हैं, अगर आप लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं तो मैं डेली आता रहता हूँ कॉलोनी, डेली आता हूँ एक्सरसाइज वगैरह करने और कुछ वॉकिंग जॉगिंग वगैरह, है ना। सो गाइस फिलहाल तो मैं हूँ ये नहर के किनारे वाले एरिया में, ऊपर है नहर और मैं हूँ इधर रोड में। और गाइस इधर है पावर हाउस, वो देखिए सामने पावर हाउस है। तो गाइस चलिए हम चलते हैं इधर से घूमते हुए, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज कर ली है। तू काहे ऊपर चढ़ा भाई, नीचे उतर। तो चलिए गाइस। वैसे गाइस एक और चीज़ बता देते हैं कि अनामिका भी आ चुकी है, कल मैं लेकर आया हूँ। हालांकि कल ट्रेन से ही आई है लेकिन फिर बाइक से लेके आए वहाँ से। सो गाइस पहुंच गई है, तो चलिए चलते हैं, फिर आप लोगों को मिलाते हैं अनामिका से भी। फिलहाल तो गाइस ऐसा है कि अभी हम चलेंगे, फूल तोड़ेंगे जो होगा उसके बाद फिर अपन घूमते हुए निकल जाएंगे। गाइस सुबह सुबह का मौसम कितना शानदार लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है अपन को। तो चलिए थोड़ा फूल तोड़ लेते हैं, देखते हैं यहाँ फूल बचा है कि नहीं। वैसे बचते नहीं है बहुत फूल, ये देखिए इक्का दुक्का बचे भाई आज तो। सो गाइस फाइनली हमने फूल तोड़ लिया है, ये लाल फूल है। अब चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, ज़्यादा फूल नहीं तोड़ेंगे, जो रास्ते में दिख जाएंगे अपन को वही तोड़ लेंगे बस। और गाइस फाइनली हमारी मम्मी भी घूमती हुई, तो चलिए आप लोगों को मिलवाते हैं अपनी मदर से। और सुबह सुबह डेली हमारी मम्मी भी आती हैं घूमने। तो गाइस देखिए हमारी मम्मी जी घूम रही हैं सुबह सुबह। क्या है माता जी, चार तो फूल हमने भी तोड़ा है। आज बेल पत्र तोड़ रहे हैं। अबे चाची जी पूछ रही थी कि मम्मी नहीं आती क्या। चलें तो चलिए, मम्मी इधर जाएंगी मैं इधर निकलूँगा क्योंकि अपन इधर से आए थे ना, अब मम्मी इधर से आई। और गाइज एक चीज़ आपको दिखाएं, ये है प्लेग्राउंड। और कौन सा प्लेग्राउंड है, ये वॉलीबॉल का ग्राउंड है। ये फिलहाल तो बंद है, यहाँ पर लाइटिंग वगैरह सब व्यवस्था है, बढ़िया टूर्नामेंट होता करता है यहाँ पर, मज़ा आती है। लेकिन फिलहाल तो अब बरसात है तो बंद है वॉलीबॉल। तो कॉलोनी का हमारे सीन आप लोग देखिए कितना मतलब कितना शानदार है, चारों तरफ बढ़िया हरियाली, पेड़ पौधे। और सुबह सुबह घूमने में जो एनर्जी मिलती है ना पूरे दिन की, गजब। सो और क्या क्या बता दें आपको कॉलोनी के बारे में, बताने को तो बहुत सारी चीज़ें लेकिन बताएंगे नहीं आपको। अच्छा बाद में बताएंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक वीडियो हम सब बता देंगे तो फिर हमारे लिए क्या रह जाएगा, फिर हम कल क्या बताएंगे, है ना, इसलिए अगले दिन और बताएंगे। फाइनली मैं पहुंच गया हूं घर और ये है अनामिका। तो मिलिए अनामिका से, कैसे खड़ी हुई है, ऐसे लग रहा है कि 10-15 दिन से बीमार पड़ी थी अभी बेचारी। गुड मॉर्निंग बोलोगे कुछ? गुड मॉर्निंग। और गाइस आज ना हमारे घर में एक बहुत ही स्पेशल डिश बनने जा रही है, तो चलिए आप लोगों को मिलवाते हैं मम्मी से और पूछते हैं। मम्मी भी अभी नहीं बताएंगी लगता है। सो गाइस ये देखिए मम्मी लगी हुई तैयारी में, तो चलिए बन जाए उसके बाद आप लोगों को फिर दिखाते हैं। तो ये देखिए फिलहाल अब तैयारी चल रही है, तो चलिए बन जाए फिर आप लोगों से मिलते हैं और बताते हैं कौन सी डिश है। तो मतलब स्पेशल है डिश, फरमाइश है इनकी और बनाने जा रहे हैं मम्मी जी। तो चले गाइस ठीक है, अब हम गाइस जाएंगे। कितना सुंदर दिख रहा है, वाओ। तो ये मम्मी फूल लेकर आई है, लुकिंग सच अमेजिंग नाइस। तो मम्मी का डेली काम रहता है इतना फूल, बेलपत्र। कुछ पापा भी लाए, पापा गए, ये बढ़िया। पापा मम्मी के सुबह सुबह का डेली काम है फूल डेली लाना है। तो अच्छी रखी हुई है। और ये जो तिलक उलक परीक्षा वाली परीक्षा नहीं मिलती है जिसमें फल फूल आता है तो वही वाली है। तो चले गाइस अब हम जाएंगे, नहाना धोना होगा, मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ होगी, उसके बाद तब तक फिर हमारी डिश भी रेडी हो जाएगी, फिर बताते हैं आप लोगों को कौन सी डिश है स्पेशल। तो गाइस फाइनली जिसका हम लोग बहुत
बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली वो बन चुकी है। सो गाइज आज घर में बनी हुई है छोले भटूरे की रेसिपी। सो गाइज फरमाइश थी अनामिका की और हम भी इंजॉय कर रहे हैं। खाओ, तो बताइए, खाओ खाओ। तो चलिए टेस्ट करते हैं, बताते हैं कैसा है। ओ हो हो हो। वाह। कभी आप भी बैठ जाए वो कुर्सी में, वो कुर्सी है आपके लिए, धारण करें उसमें स्वयं को। आप भी थोड़ा टेस्ट कर लीजिए। मम्मी मम्मी भाई मम्मी मम्मी कम थोड़ा सा। अरे थोगा ये हमारी माता श्री जो कि अपने नियमों के अवरुद्ध बिल्कुल नहीं जा सकती है। इनका ऐसा कहना है कि अभी इन्हें पूजा पाठ करना है तो किसी हालत में नहीं खा सकती। मैं इतने प्यार से खिला भी रही हूँ इसलिए भगवान सबका सर्वप्रथम। वीडियो हो गया कछुना। मम्मी प्लीज मम्मी भटूरे छोले हो नहीं भटूरे हैं। एटो है ना रील्स। बाबू छोले हो नहीं भटूरे हैं। मजा आ गई भाई बनाते तक में, बड़ा मजा आई। तब हम गुटकी भर ले लिया ना है। अब फुर्सत नहाए धोए है ये है खाए भर का रहा है तो कंप्लीट है भाव। आज मैच है वहां पे। हां रे 17 सितंबर आज। हां तो आज एशिया कप के फाइनल है ना, वो देखे थे। इंडिया वर्सेस श्रीलंका। श्रीलंका का है तब जीती को इंडिया जीती कि श्रीलंका जीती। इंडिया जीती श्रीलंका थोड़ी जीती। ये देखे पीछे मम्मी की किचन भी है यहीं पर और यहीं खाना पीना बनता है गाइस रियली देखो और यहीं हम खाते हैं। तो ठीक है गाइस फिर मिलते हैं आप लोगों से और ये हम लोग तब तक कंप्लीट करते हैं अपना भी थाली। हमको कपड़ा धोना है, इसको बर्तन धोना है, तो बहुत सारे काम है फिलहाल तो, है ना। मिलते हैं, थैंक यू। सो गाइस अनामिका एक दिन के लिए आई थी और आज गई थी शॉपिंग करने। तो आज मतलब सिहोरा में शॉपिंग नहीं करती है। सिहोरा में कुछ नहीं है। सिहोरा में शॉपिंग नहीं करती है। यहाँ एक चप्पल क्या दिखा रही है? तो अच्छा चप्पल लेकर आई है। नहीं शॉपिंग में सबसे पहले तो मैंने अपनी बुक्स ली है। क्या So guys, आज तो अनामिका तो बिल्कुल गजब कर दी भाई। 3-4 हजार की शॉपिंग करके आ गई है। कितने आज तुमको लगता है 3-4 हजार की शॉपिंग कर ली होगी तुम आज? नहीं भगवान सबसे महंगा तो कपड़ा। तो 2500 रुपए में 4 सेट कपड़े आए हैं। और ये तुम्हारी जूतियाँ कितने की हैं? क्यों ये जूती कितने की है? 150। मैंने 300 की है। बड़ी शॉपिंग कर ली है भैया। 5000 रुपये चले गए मेरे आज। 5000 की शॉपिंग करके आई है आज। ये देखिए ये बैठी। सो गाइज इतना ही फिलहाल। अनामिका एक दिन के लिए आई थी और 5000 की शॉपिंग भी कर ली है। सो चलिए ठीक है, आज का हम ब्लॉग भी एंड करेंगे। आई होप आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कल इसको भी छोड़ने भी जाना हमको सुबह।